हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनके कॉन्सेप्ट, फार्मूले, सब कुछ आज मैं आपको सिखाऊंगा गाइज। क्योंकि मैथ ना आने की वजह से फिजिक्स में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कॉन्सेप्ट आने के बावजूद भी छोटे छोटे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कॉन्सेप्ट ना पता होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है गाइज। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए। देखो बाबू, ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है? त्रिकोणमिति। क्या लिखते हैं हम लोग? त्रिकोण मिति। त्रिकोणमिति का हम लोग अगर बात करें, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड है, ट्रिग्नो और प्लस मेट्रो, है ना। इसका मतलब होता है त्रिभुजों का मापन। क्या होता है बेटा? त्रिभुजों का मापन। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। किसके बारे में? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेडिंग में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात बेसिकली हम लोग 6 पढ़ते हैं। कितने होते हैं बेटा? 6 होते हैं। साइन, कॉस, टेन, फिर इनके अपोजिट हो जाते हैं सेक, कोसेक एंड कॉट थीटा। तो आइए समझिएगा। सपोज करिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों ने कंसीडर कर लिया बेटा। ये सपोज करिए एंगल थीटा सबटेंस करा, नेम भी दे दीजिए ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, इस साइड को नेम दे दिया ए बी बी सी, और ये क्या हो जाएगा? ए सी साइड हो जाएगा। अब एक चीज यहाँ याद रखिएगा, जो थीटा के अपोजिट होता है, यानी थीटा के सामने वाले साइड को हम लोग बोलते हैं अपोजिट, और परपेंडिकुलर बोल सकते हो आप। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? परपेंडिकुलर। और ये जो थीटा के नीचे होता है इसे हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट, या बेस भी आप बोल सकते हो बेटा। ये थीटा की जो सामने होता है ऊपर, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलोगे? हाइपोटेनियस। हिंदी में बोलते हैं लंब। हिंदी में क्या बोलोगे बेटा? लंब। इसे हम लोग बोलते हैं आधार, और इसे क्या बोलेंगे? कर्ण। थीटा के सामने हमेशा लंब होगा, कोई कैसे भी ट्राइंगल बन जाए, चाहे इधर हो जाए, उधर हो जाए, कहीं पर भी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। थीटा के सामने हमेशा क्या होगा? लंब होगा, उसके नीचे आधार होगा, और ऊपर क्या होता है? कर्ण होता है बेटा, ठीक है। ऐसा याद रखिएगा। एक चीज आप लोग बताइएगा, जैसे हम लोग पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें साइन थीटा, तो साइन थीटा जो होता है बेटा ये लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस पी अपान एच। क्या लिखेंगे बाबू? पी अपान एच, यानी हिंदी भी लिख दे रहा हूं लंब बटे कर्ण। ऐसे अगर हम लोग बात करें कॉस थीटा, तो जो कॉस थीटा होता है बेटा ये होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है बाबू? हमने ये लिखा बेस, तो बेस को हम लिख दे रहे हैं बी अपान एच, यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा की अगर हम लोग बात करें, तो जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा क्या होगा? लंब बटे आधार। तो यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। अब देखिएगा, जो साइन का अपोजिट होता है वो होता है कोसेक थीटा। साइन का जो अपोजिट होगा वो क्या होता है बाबू? कोसेक थीटा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कोसेक थीटा। जो कोसेक थीटा, देखो ये पी अपान एच है, तो इसका अपोजिट करोगे, उल्टा करोगे, तो एच अपान पी हो जाएगा ना बाबू, एच अपान पी, यानी कर्ण बटे क्या हो जाएगा बाबू? बोले लंब। कर्ण बटे लंब हो जाएगा, यानी देखो लंब बटे कर्ण था, तो वो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ठीक। अगर हम लोग बात करें कॉट थीटा की, कॉट, टेन का अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा। तो कॉट का क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे आप टेन देखे रहे, आप लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी बी बाई पी, आधार बटे
लंब। ठीक, ऐसे एक और लास्ट हम लोग बात कर ले रहे हैं, सेक थीटा बचा हुआ, तो सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा क्या बनेगा, जैसे कॉस थीटा होता था आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो कॉस थीटा इजिकल टू सेक थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा बाबू, कर्ण बटे आधार। तो ये बेसिकली आपको समझना होगा, बेसिक चीज है ना, हर बच्चे को ट्रिग्नोमेट्रिक में ये जो सिक्स रेशियो है इनका ही बेसिक जो है ये याद होना चाहिए बेटा, कि साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी लंब बटे आधार हो, ओ लंब बटे कर्ण होता। ठीक, तो मैं इसमें एक लर्न करने का एक ट्रिक्स बता दे रहा हूं, ट्रिक्स देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग बात करें साइन थीटा, साइन थीटा क्या था, पी बाई एच, कॉस थीटा बी एच, पी बी, ठीक है, तो पी बी एच, पी बी एच अपॉन एच एच बी अपॉन एच एच बी। ये देखो एक चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया, पी बी एच अपॉन एच एच बी, कोई कोई याद रखते हैं बेटा, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, ठीक है, लाल बट्टे कक्का, देखो लाल बटे कक्का, ठीक है, लाल बटे कक्का, ठीक है, ये देखो पी बी एच अपान एच एच बी। तो पी बी से अगर हम लोग बात करें, देखो पी बी एच पाकिस्तान भूखा प्यासा, उल्टा कर लिया हमने, यहाँ पी है, पी बी पी है बेटा, पी बी पी, पी बी पी, तो देखो पी बी पी पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, यहाँ पे बोल सकते हो पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, याद रख सकते हो, बहुत आसान ट्रिक्स है इसको याद करने, मेमोराइज करने का तरीका, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो पी बाई एच, पी बाई एच क्या बनता है बेटा, साइन थीटा, और बी बाई एच क्या होता है, कॉस थीटा, और पी बाई बी क्या होता है बेटा, टैन थीटा। तो यहाँ पे जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक है साइन कॉस टैन, तो इन तीन को याद रखिए, इनका अपोजिट जो होता है वो आपका हो जाएगा सेक थीटा, कोसेक थीटा, एक कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आप याद रखिएगा। ठीक, चलो जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर ले रहे हैं बेटा, जैसे सपोज करिए इफ इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, फाइंड फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये देखो इसमें से एक दे रखा है साइन थीटा बराबर 3/5, तो जो बचा हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जैसे टेन बचा है, कॉस बचा है, सेक कोसेक कॉट, ये जो पांच बचे हुए हैं ये आपको बताना बेटा। तो यहाँ पे देखिए सब बच्चे चाहे बिगिनर्स हो या पढ़ चुके हो, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो आगे बढ़ सकते हैं बेटा। ठीक है, लेकिन जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं या बेसिक मैथ को पढ़ रहे हैं बेटा, तो उनके लिए ये सब जो बेसिक चीज़ है ये आना जरूरी है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे जैसे साइन थीटा आपको गिवेन है 3/5, हमें सबको पता है बेटा, अभी अभी मैंने आपको सिखाया है कि ये जैसे सपोज करिए ये ट्राइंगल है, क्या बाबू, एक ट्राइंगल है, तो साइन थीटा ये मान लो थीटा ही था, तो साइन थीटा होता लंब बटे कर्ण, तो लंब दिया 3 और कर्ण कितना दिया बेटा 5, साइन थीटा क्या है लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब 3 है और कर्ण कितना बेटा 5, ये आधार हमें नहीं पता। तो आप सभी को एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, ये पाइथागोरस का जो थ्योरम होता है बेटा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस का परिमेय है, याद रखिएगा पाइथागोरस का जो थ्योरम है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करना चाह रहे हैं बेटा, तो कर्ण कितना दिया 5, तो 5 का वर्ग बराबर लंब दिया 3, तो 3 का वर्ग, आधार नहीं पता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 25, 3 को इधर ले आओ, 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा बराबर आधार का स्क्वायर, अगर 25 में से 9 करोगे तो 16 बचेगा, तो आधार का स्क्वायर, तो आधार बराबर कितना आ जाएगा बाबू, आ जाएगा 4, क्योंकि 16 का जो रूट होता है, वर्ग रूट होता है, वो हो जाएगा 4। तो हमें जो ये अननोन साइड थी ये कितना पता चल गया, 4। सबसे पहले हमें जो अननोन साइड है वो आपको पता करना होगा, फर्स्ट स्टेप में हम यही ध्यान देंगे, जो हमारा जो थर्ड साइड है नहीं पता है,
हम इनके मदद से थर्ड साइन निकाल लें पहले, ठीक है। अब सब साइड पता हो गया, अब लगा लो फार्मूला। जैसे हमें चाहिए साइन के बाद क्या आता है बेटा, कॉस थीटा। कॉस थीटा होता आधार बटे कर, तो ये हो जाएगा 4/5। फिर टेन थीटा, टेन थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार, तो 3/4 हो जाएगा। फिर मान लो सेक थीटा ही बात कर लो, सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, 5/4, ठीक। ऐसे अगर हम बात करें कॉट थीटा, कॉट थीटा 4/3, क्योंकि आधार बटे लंब होता है, क्या बच गया बेटा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 5/3, कितना हो जाएगा बाबू 5/3। तो देखो ये पांचों बच गए नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, ये जो पांच अननोन साइड थे ये साइड हम लोग को पता चल गया गाइस, ठीक है। तो ये बेसिक थे बाबू, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग नाइन्थ में ही पढ़ते हैं, कुछ बच्चे एथ में ही सीख लेते हैं इनके कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे, ठीक है। हम लोग तो 11 में आ गए हो, आप लोग नाइन्थ भी पढ़ चुके हो, टेंथ भी पढ़ चुके हो, ठीक है, 11 में पढ़ रहे हो, तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। अब देखो बेटा इसके बाद हम लोग इनके कुछ वैल्यूज़ की बात करते हैं। जैसे एक टेबल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जैसे सपोज करिए एक टेबल मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, देखिए एक आप भी बना लीजिएगा, 2, 3, 4, 5, 6, बस इतना सही है। सपोज करो यहां पे हम फंक्शन लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं बाबू, फंक्शन, यहां 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, आगे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, सब कुछ समझा दूंगा, ठीक। देखो जैसे सपोज करिए हम ले रहे हैं साइन थीटा, पहले क्या लेंगे बेटा, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर लास्ट में हम लोग ले लेंगे बेटा कोसेक थीटा, ठीक है। हमने यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लिया, क्या क्या ले लिया, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक थीटा। इनके हमें लिखना है कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो देखो साइन 0 की जो वैल्यू होती है ये होती है बेटा 0 डिग्री, क्या होती है 0 डिग्री। जिस जो बच्चों को ग्राफ थोड़ा बहुत क्लियर होगा वो लोग जानते होंगे साइन का कर्व ऐसा ही बनाते हैं बेटा, साइन का, ये साइन का कर्व, ठीक, 0 पे 0, यहाँ पे पाई बाई 2 पे 1/2 होता है, ठीक, पाई पे 0 हो जाता है, ये साइन का कर्व होता है, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये मैथ में आपको अच्छे से पढ़ाया जाता है बेटा कर्व के बारे में, लेकिन हम पॉइंट ऑफ फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो हमें ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए अभी, ठीक है। तो साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 45 क्या होता है 1/√2, 60 का हो जाएगा √3/2 और 90 की कितनी होती है 1। अब जो कॉस है इसका उल्टा करते चले जाओ, कॉस 0 की वैल्यू 1 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 और 45 की, ये तो वही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना आ जाएगा बाबू 0 आ जाएगा। अब देखो टेन 0 की वैल्यू 0, टेन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब देखो इसको अगर हम लोग बात कर रहे हैं ये, तो इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा क्या हो जाएगा, जैसे टेन थीटा क्या होता है साइन बटे कॉस, आप देख पा रहे होंगे साइन थीटा होता था लंब बटे कर, कॉस थीटा होता आधार बटे कर, जब दोनों को भाग दोगे तो आधार आधार कट गया है, ओ कट जाएगा, तो आधार बटे ओ लंब बटे आधार बचेगा, जैसे टेन थीटा के बराबर होता। तो एक चीज ये बताओ, ये तो 0 डिग्री हुआ, ये कितना आएगा, आप दोनों को भाग दो 1/√3, कितना आएगा आपको दिख रहा होगा यार, अब इन दोनों को 1/2 और इतने भाग दे तो ये बचेगा 1/√3, ये बराबर बराबर है, ये 1 के बराबर हो जाएगा, ये √3 के बराबर हो जाएगा, 1/0 क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड, क्या लिखोगे बाबू, नॉट डिफाइंड, ओके नॉट डिफाइंड। कॉट थीटा इसका उल्टा कर लो, तो कॉट थीटा क्या बनेगा बेटा, नॉट डिफाइंड, ये ऐसा मैं बना दे रहा हूँ, इन्फिनिटी नहीं बोलेंगे, नॉट डिफाइंड बोलते, ठीक। ये बताओ यहाँ पे हो जाएगा √3, ये तो 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा 1/√3, ये आपका हो जाएगा 0 डिग्री।
sec थीटा, अब देखो sec जीरो की वैल्यू कितनी होगी वन, इसी को ये पलट दो यहीं पे, तो ये हो जाएगा टू बाई रूट थ्री, ये हो जाएगा रूट टू, ये आपका हो जाएगा टू हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। समझ में आ रहा होगा ना, ये तो बेसिक चीज है, नाइन्थ में आप पढ़ते होंगे। अब कोसेक चाहिए इसका अपोजिट, तो यहां पे ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक। फिर देखो ये हो जाएगा टू हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट टू हो जाएगा, ये हो जाएगा टू बाई रूट थ्री, और ये आपका कितना हो जाएगा बेटा वन हो जाएगा। तो ये जो बेसिक टेबल हमने आपको लिखा, ये बच्चे मेमोराइज कर लो, कितनी आसान चीज़ें हैं। देखो जीरो, वन बाई टू, फिर वन अपान रूट टू, फिर रूट थ्री बाई क्या लिखा हुआ वो टू, और फिर वन, फिर इसका उल्टा यहाँ से लिखा गया। जब ये दो चीज़ क्लियर हो जाए तो साइन अपान कॉस टेन थीटा होता, आप वैसे भी सॉल्व करके लिख सकते, खाली आपको एक ये दो याद रखना, बाकी सब याद हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो, जैसे देखो इसको याद करने का और भी बहुत सारे तरीके हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब जैसे कुछ और स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे सपोज करिए एक ट्रायंगल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये आपको हर बच्चे को याद होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में हर जगह ये ज़रूरत पड़ती है बेटा। जैसे 37 डिग्री, क्या है 37 डिग्री, ये जो एंगल दिया ये कितना डिग्री है बेटा 37 डिग्री। तो ये देखो ये ऐसे याद रखिएगा आप लोग, तीन चार पाँच, तीन चार पाँच, ठीक है, तीन चार पाँच, देखो 37 के जो एंगल के सामने साइड हो, तीन चार पाँच ऐसे। जैसे हमें साइन 37 डिग्री की वैल्यू चाहिए, साइन 37 डिग्री, तो साइन 37 कैसे लिखेंगे हम लोग, लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा तीन बटे पाँच। कॉस 37 डिग्री चाहिए तो चार बटे पाँच याद कर लो, और टेन 37 डिग्री चाहिए तो तीन बटे कितना हो जाएगा चार, बाकी इसका उल्टा हो जाएगा। तो एक बात ये समझ में आ गई, लेकिन अगर हमारा 53 डिग्री होता, मान लो 53 डिग्री, ये मान लो ये 53 डिग्री है, 53 डिग्री, तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर ऐसे यहाँ पे भी आप समझ सकें, ये 53 है वो 37 है, तो ये 90, ये 53 हो जाए, तो 53 के सामने कौन बचा 4, तो ये आपका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा। यहाँ पे अगर साइन हम बात करें, साइन 53, तो साइन 53 4 बाई 5 हो जाएगा। अरे आप ऐसे यहाँ से भी समझ सकते थे बेटा, ये 37 या 53, तो इसके सामने ये लंब हो गया ना, लंब बटे कर्ण, अब कहाँ से देख रहे हो वो डिपेंड करता है यहाँ पे, ठीक है। तो 53 हो जाएगा 4 बाई 5, ऐसे आप बताओ टेन 53 ये हो जाएगा 4 बाई 3, और कॉस 53 ये हो जाएगा आपका 3/5। तो ये स्टैंडर्ड एंगल थे, ये आप लोग को याद होना चाहिए। उसके बाद मैं कुछ एडिशन फार्मूले आपको बताता हूँ, जिसके बेसिस पे हम बहुत सारी चीज़ आसानी से क्लियर कर पाएंगे, ठीक। आप नोट कर लो इसको भी।